गाइस ये तो जिसने उनके दो भाई मार दिए, वो तीसरा जो बचा घायल, वो भी कह रहा सैलून वाले भैया उनको हत्यारा नहीं कह रहा। मैं सीहर जाता हूँ, अगर नहीं होता ये कल वो फरार घोषित हो जाते दोनों हत्यारे, तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का नक्शा बदला होता। जिसने अपराध किया वो जितना दोषी उससे ज्यादा दोषी वो लोग मेरी नजर में जो उसको कवर फायर देने की कोशिश करते। विधूरी ने दानिश को गाली दी इसलिए बदायूं में जावेद और रजाक दो बच्चों का खून पी जाएंगे उस तरह मार के। गजब तमाशा चल रहा यार। अरे आप विधूरी के सिर बोलो, दानिश के सिर बोलो। आज की डिबेट बहुत शानदार होने वाली है। आज की वीडियो में उत्तर प्रदेश में बदायूं शहर में शांति दूतों ने शांति का पैगाम देते हुए दो बच्चों की हत्या कर दी है। गला रेत के तो दोस्तों उसी पर आज की डिबेट है। डिबेट में आप लोग देखोगे कांग्रेस के प्रवक्ता और समाजवादी के पार्टी के प्रवक्ता आज की डिबेट में नहीं दिखेंगे क्योंकि उन्होंने आने से मना कर दिया। डिबेट में आए हैं AIEM के प्रवक्ता दानिश कुरैशी का कहना है कि योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री है और उनकी सत्ता है इसलिए ऐसी घटना हो रही है। तो आज की डिबेट बहुत इन्हीं तमाम मुद्दों के ऊपर होने वाली है, तो वीडियो के अंत तक गौर से देखिए। और अगर आप लोग हमारे चैनल में नए आए हो तो एक सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं फिर। इन दो हत्यारों ने अपने पेशे को भी कलंकित कर दिया, उसको भी शक के दायरे में लाके खड़ा कर दिया। आज नहीं तो कल देखिएगा रोजी रोटी का संकट पैदा हो जाएगा बाल काटने वालों के लिए। ऐसी स्थितियां पैदा हो रही समाज में। खैर, क्योंकि सारा मसला भरोसे का है। उस तरह दाढ़ी बनाने के लिए है, बच्चों की गर्दन काटने में इस्तेमाल होगा तो भूख का संकट हो जाएगा। भूख का जान लीजिए, जानते सब हैं, कहता कोई नहीं, इसलिए सब ये कह देते हैं कि भाई इसकी जांच कराओ, इसका शोध करो, इस पर खोज करो। हमको मालूम है पानी कहां ठहरा है। ये विषय आज नहीं है, फिर बहुत उत्तेजना हो जाएगी, लेकिन हम जानते हैं जन्नत की हकीकत क्या है। हमको मालूम है जन्नत की हकीकत क्या है। दिल को बहलाने के लिए गाली भी ख्याल अच्छा है कि चलो जांच करेंगे, पता करेंगे। डायरेक्ट एक्शन जब जिन्ना ने अनाउंस किया था तो हमको पता नहीं, हमने नहीं देखा क्या हुआ था। ऐसे सैकड़ों उदाहरण है। पेशा है ना, ये बहुत भरोसे का पेशा है। हम अपनी गर्दन और सिर दोनों देते हैं उस तरह वाले को कि भैया इसको ठीक कर दो। नहीं, और कई बार आदमी आंखें भी बंद कर लेता है, गाना सुनता रहता है, यहां कार्ड बना दो बढ़िया। नहीं, इस घटना के बाद हर आदमी अपने पड़ोस में जो नाई है उसको दो बार तराजू में तोलने की कोशिश करेगा अपनी निगाह में। उन लोगों ने केवल दो बच्चों की हत्या नहीं की, ऐसा मैं मानता हूं, उन्होंने हजारों लोगों की आजीविका पर संकट पैदा कर। दानिश कुरैशी साहब चेहरा काला हो गया, ऐसी स्थिति पैदा करने को सोच सकता था कि बच्चे का उस गला घर काटे गए उस तरह से और उसका रक्त पीने की कोशिश करेंगे। कैसी स्थिति है। नहीं, और महीना चल रहा है रमजान का। दानिश साहब देखिए, सबसे बड़ी तो बात यह है कि ये कैसी स्थिति का निर्माण उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने बना के रखी है, ये आपके सामने है। मैं आपको बताऊं कि घटनाओं की जो बात की जा रही है, जो भी घटना हुई है वो निर्मम बहुत जालिम है, वो लोग जिन लोगों ने इतनी बुरी घटना को अंजाम दिया है। लेकिन मैं ये भी बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में इसके अलावा भी दो घटनाएं और घटी। कानपुर में गैंगरेप की घटना घटी जिसमें पिता ने खुद फांसी लगा ली, दोनों लड़कियों की लाश जो है वो पेड़ पे मिली। उसके बाद प्रयागराज के अंदर में सगी बुआ ने दो बच्चों का कत्ल कर दिया। ये तमाम चीजें आपके सामने में समाज का जिस उसमें गठन किया जा रहा है, जिस तरीके से समाज को बना बूनने की कोशिश की जा रही है, भारतीय जनता पार्टी ने इस तरीके का माहौल बना के रखा है पूरे प्रदेश में कि आप देखिए वो जो बात कहते हैं ना। तो सरकार की बंदूक से डर रहा है, एक भाई जो है वो ना एनकाउंटर से डर पा रहे हैं, ना की धार से डर पा रहे हैं, ना बलात्कारियों से डर पा रहे हैं। तो ये जो सरकार है मुझे लगता है कि ये एक मिनट तो रुको, मैं सिर्फ निवेदन ये कर रहा था कि ये जो दो थे खून पीने वाले राक्षस, ये इसलिए उस तरह लेके छत पे चढ़ गए बच्चों का गला रेतने के लिए कि योगी सरकार है उत्तर प्रदेश में, इसलिए गजब बात कर रहे हैं। मानसिकता जिस तरीके की है, सुनिए जिस तरीके के दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। मैंने आपको बताया ना कि प्रयागराज में सगी बुआ ने दो बच्चों का कत्ल कर दिया, एक अभी और एक अभी, दो अलग अलग नाम है उनके। चलिए बताइए कौन सिखाने गया उनको, चलिए बताइए। वो भी तो वो एक 5 साल का बच्चा है, 3 साल का बच्चा है, पता है आपको। आनंद दुबे के पास चलूंगा, लेकिन मैं जानता था कि दानिश कुरैशी, जब मुझे बताया गया कि दानिश भाई बैठेंगे तो मैं जानता था कि वो प्रयागराज की घटना लाएंगे, क्योंकि ट्विटर से बहुत सारी चीजें एक्सपोज हो जाती हैं। कौन सी लॉबी क्या प्ले करना चाहती है, क्या प्रयागराज वाली घटना रहे हो आपने? ना, नो 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 नो, आप ना
ना ना बीच में नहीं दानिश बाबू, बीच में नहीं, अभी इनकी आवाज रोक दीजिए, बीच में नहीं भाई ना। जैन साहब जानते हैं कि संपत्ति के विवादों में चाचा ने भतीजे को मार दिया, बुआ ने भतीजे को मार दिया, भतीजे ने बुआ को मार दिया, ऐसी घटनाएं हमने बहुत देखी, बहुत सुनी, और जैन साहब ने हमसे ज्यादा सुनी होगी। दानिश भाई चूंकि घर से नहीं निकलते होंगे, ज्यादा घूमे फिरे नहीं होंगे समाज में, इसलिए नहीं जानते होंगे, इसलिए ज्यादा उनको लग रहा होगा। लेकिन ये घटना हमने 35 साल में नहीं देखी कि गलिया रेता बच्चे का फिर रक्त पिया, इसलिए सवाल खड़ा हो रहा है। और बड़ों बड़ों ने मुंह में फेविकोल पी लिया, इसलिए सवाल खड़ा हो रहा है। साइकिल किसी की टकरा जाए कुत्ते से तो जो लोग ट्वीट करते थे कि उत्तर प्रदेश में जंगल राज साइकिल टकरा गई कुत्ते से, वो मौन हो गए, वो कह रहे सांप्रदायिक तनाव पैदा किया जा रहा है। इस घटना से सद्भाव पैदा किया क्या? ये शर्मनाक है। तीन प्रतिक्रियाएं मैंने देखी। समाजवादी पार्टी ने सुबह अपने ऑफिशियल लाइन लेंथ में ये कहा कि सारा भाजपा ने कराया तनाव पैदा करने के लिए। एक शिवपाल जी ने कहा एनकाउंटर ही गलत हुआ। अखिलेश जी ने फेक एनकाउंटर की बात बदायूं के संदर्भ में नहीं की, लेकिन जौनपुर का मसला उठा के उन्होंने कहा फेक एनकाउंटर हो रहे हैं। ठीक, प्रकार अंतर से उन्होंने बदायूं को भी लपेट लिया। ठीक, और रामगोपाल जी ने हंसते हुए कहा, जब उनसे बदायूं पर प्रश्न हुआ तो उन्होंने हंसते हुए कहा भाजपा वाले मर्डर करा देते हैं। दानिश कुरैशी साहब एक बात नहीं समझ में आई, कन्हैया लाल की जब गर्दन रेती गई राजस्थान में तो यह प्रपंच फैलाया गया कि भाई इसने गुस्ताखी की थी या किसी दूसरे ने गुस्ताखी की थी, इसने गुस्ताखी वाला पोस्ट आगे बढ़ा दिया, ऐसा कुछ बताया गया था क्या? बोले इसलिए हम लोग बहुत नाराज हो गए थे तो हमने इसको 6 इंच छोटा कर दिया। ये बालक तो नन्हे मुन्ने थे, ये तो किसी की गुस्ताखी नहीं की क्या? ये तो जानते ही नहीं मजहब क्या? ये ना, ये तो जिसने उनकी दो भाई मार दिए वो तीसरा जो बचा घायल वो भी कह रहा सैलून वाले भैया, उनको हत्यारा नहीं कह रहा, किस थ्योरी पे मार दिया गया? दानिश कुरैशी वहां तो समझ में आया कि भाई गुस्ताखे नबी की एक सजा क्या? इनने तो कोई गुस्ताखी नहीं की थी बालकों ने, अब फ्री स्टाइल हो गया क्या? मतलब उस तरह हाथ में लेके चलेंगे जहां कोई दिखेगा सटासट मारना शुरू कर देंगे। दानिश जी देखिए दिक्कत क्या है अमिताभ जी, आपकी भी और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की भी, उनको कन्हैया लाल याद है। हालांकि अफसोसनाक घटना है, ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए, लेकिन आपको याद हो तो एक शंभुनाथ रैगर भी था जिसने बिल्कुल एक सही मुसलमान को मजदूरी के नाम पर बुलाकर मारा और उसको जलाया, शायद आपको याद है या नहीं है, या आपने उस पर चर्चा की है नहीं की है मुझे याद नहीं है, लेकिन घटनाएं जब हमारे दृष्टिकोण में सांप्रदायिकता का प्रभाव करती हैं तो मुझे लगता है कि वो घटना घटी इसलिए बदायूं पर चुप हो जाए। वो घटना घटी इसलिए बदायूं पर चुप हो जाए। मुझको साबरमती की ट्रेन भी याद है, दो बोगी बंद करके बाहर से खिड़की से तेल डालकर पेट्रोल डालकर माचिस लगा दी गई थी, मैं गया था उस डब्बे को भी मैं देख के आया था। मुझे गुजरात का दंगा भी याद है, मुझे चुनाव नहीं लड़ना इसलिए मेरी दृष्टि साफ है। ये कौन सी बात हुई कि गुजरात में दंगा हुआ था इसलिए बदायूं को हल्का रखो, नहीं चलेगा। मैं पूछ रहा हूं बदायूं के नन्हे बच्चों का दोष क्या था, उनका गला क्यों रेता गया, कोई जस्टिफिकेशन देगा? कहां है रिलीजियस लीडर, उनको बोलना चाहिए था ना आके, जो लोग कहते हैं कि हम मुसलमानों के रहनुमा हैं उनको बोलना चाहिए था आकर, कहां है? इमाम बुखारी को बोलना चाहिए था, ओवैसी को बोलना चाहिए था, अजमल जो यूडीएफ वाले हैं असम वाले उसको बोलना चाहिए था, तो फिर रजा तो खैर खुद ही भागे फिर रहे हैं, नहीं उनको भी बोलना चाहिए था, वो भी नेता है, कुछ जिम्मेदारी है कि नहीं समाज के प्रति? ये अल्ल बल बातें करने से ही तनाव फैलता है। हम प्रकारांतर से उन बदायूं को डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं, ये शर्मनाक है। ये बता के 1960 में ये हुआ था और 1857 में ये हुआ था, ये तरीका है क्या? अगर कल वो जैन साहब, अब मुझे मेरी समझ ये कहती है कल अगर वो अपराधी को पकड़ने की कोशिश में वो गोली नहीं चलाता और मारा नहीं जाता और भाग जाता तो पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति खराब हो जाती, पूरे पश्चिमी गाजियाबाद से सहारनपुर तक तनाव फैल जाता। और पश्चिम में आप रहे हो और मैंने भी वहां रिपोर्टिंग की है, मैं जानता हूं पश्चिम का तनाव लंबा चलता है, खतरनाक हो। कल रात में बदायूं में हजारों लोग सड़क पर थे और उन्होंने कहा वहां के कप्तान से कि हमको लाश ला के दिखाओ, हम लाश देखना चाहते हैं। आप समझ रहे ताप कितना था? घटना ऐसी थी, लम्हों ने खता की है सदियों ने सजा पाई। जैन साहब ने ठीक याद दिलाया, कवाल कांड याद है ना दानिश कुरैशी, कि क्यों हुआ था? अगर उस मूर्ख किस्म के दरोगा ने कार्रवाई कर लिया, मैं उसको भी क्या मूर्ख कहूं? उसका कहना था ऊपर से आदेश है कि एक वर्ग के खिलाफ मुकदमा नहीं लिखा जाएगा,
बोले भाई बिटिया छेड़ दी तो छेड़ दी, अब मुकदमा तो नहीं लिखवा पाएंगे, लिख पाएंगे हम, इसी पर तो विवाद हुआ था ना। और छह महीने पश्चिम उत्तर प्रदेश जला था, छह महीने तमाशा बना के रख दिया। मैं तो तारीफ करूंगा वहां के पुलिस के जवानों की, वहां के लीडरशिप की पुलिस की जो डिस्ट्रिक्ट में है। मैं सीहर जाता हूं, अगर नहीं होता ये कल वो फरार घोषित हो जाते दोनों हत्यारे, तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का नक्शा बदला होता आज, जान लीजिए। बरकत रहन, मसला फिर वही, जिसने अपराध किया वो जितना दोषी, उससे ज्यादा दोषी वो लोग मेरी नजर में जो उसको कवर फायर देने की कोशिश करते हैं अपराधी को। ऐसे उदाहरण ढूंढ कर लाते हैं, गूगल में टाइम लगाते हैं कि इसका अपराध थोड़ा कम दिखे। बोला नहीं, 1682 में भी तो ऐसी घटना घटी थी, 1722 में भी घटी थी। तो जो अपराधी है उसको लगता है जो मंजन साहब कह रहे थे कि बहुत कुछ गलत नहीं किया मैंने, भैया तो बता ही रहे थे ऐसी घटनाएं होती।